खबर बलिया उत्तर प्रदेश से। रसाड़ा विधायक सभा के बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह ने दावा किया 2022 के चुनाव विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 2022 में सरकार बनने जा रही है। प्रदेश सरकार में बहन मायावती सरकार बनाने जा रही है और मायावती जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही। वहीं बता दें कि हमारी पार्टी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हमारी पार्टी अनुशासन पार्टी है। जो अनुशासनहीनता करते हैं, लोग करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पार्टी निकालती है। जिन विधायकों को छोड़कर जाने की बात कर रहे वो लोग विधायक राज्यसभा में एक पूंजीपति से जो समाजवादी पार्टी ने खड़ा की थी। प्राइम के लिए उषाई के सुरेंद्र कुमार गुप्ता बलिया उत्तर प्रदेश। कहें कि अभी 2022 के चुनाव कुछ ही महीने हैं, इस पर आपका क्या विचार है? आपकी पार्टी कहाँ तक तैयारी कर रही है? पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में श्री मायावती जी की सरकार बनने जा रही है। मायावती जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जी। जिस तरह आपके पार्टी से विधायक जो जिस तरह छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? हमारी पार्टी से कोई विधायक छोड़ के नहीं जाता। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है और जो लोग अनुशासनहीनता करते हैं, जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पार्टी निकालती है। जिन विधायकों को छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, वो लोग विधायक राज्यसभा में एक पूंजीपति से जो समाजवादी पार्टी ने खड़ा की थी, उससे ये लोग डील होकर के इन लोगों ने उनके पक्ष में अपना बयान दिया कि हम लोग इनके साथ इनके वोट में हैं। इस वजह से उनको पार्टी में से निकाला गया कि ऐसे लोगों को बहुजन समाज पार्टी में नहीं रखा जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी में कोई एक आदमी का नाम बताइए जो खुद गया हो। यहाँ सारे निकाले गए लोग जाते हैं, निकाले जाते हैं, वो लोग जाके उसको दूसरी पार्टी ले करके अपना महिमा मंडित करती है जी। तो आपके अनुसार 2022 में कितनी सीटें आपकी पार्टी की आएगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं पर सपा भाजपा का कहना है हमारे 400 सीट हम इस बार करेंगे। अब ये तो बात कर रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी 400 सीट कर रही है, तीन सीट छोड़ रही है, तो अब तीन सीट में भी देखना पड़ेगा कि वो किसकी सीट छोड़ रही है। तो मैंने अभी से नहीं लग रहा वो कि हास्यास्पद है भाई। हास्यास्पद मैंने चूँकि चीज़ें होता है ना कि एक आदमी लड़ाई गिनता है, तो बोलने में हमें क्या, हम नहीं बोल देंगे? हम तो बोल ही देंगे कि नहीं 400 तो मेरी आ रही है, अब 300 से ऊपर बीजेपी बोल रही है। तो अभी तो सारी सीटों इतने आने के लिए 1200-1400 पे चुनाव आयोग को इलेक्शन कराना पड़ेगा ना, तब जाकर कवर होगा जी। ये सब ऐसे हवा भाई जी। राम गोविंद प्रतिपक्ष नेता का ये बयान है, किसी भी कीमत पर इस बार सपा सबका सफाया हो जाएगा, सपा का एजेंडा आएगी। तो किसी कीमत पे तो कीमतें बता दें कौन कीमत है भाई। कीमत तो जनता तय करेगी ना कि किस किसकी सरकार आएगी। हम यहाँ बैठे बैठे मेज ठोक के कहें कि किसी कीमत पे भी हमारी सरकार आएगी, तो ये जनता तय करती है कि जनता की किसकी सरकार आएगी जी। हम आपसे जानना चाहते हैं जो किसानों की हत्या हुई, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? आई तो पुलिस अब जांच कर रही है भाई, पुलिस जांच कर रही है। ये तो जरूर है कि हम वीडियो में देख रहे हैं कि हाँ सीधा गाड़ी चल रही है, ये तो हम भी देखें कि सीधा गाड़ी चल रही है। जो वीडियो फुटेज आप लोगों ने दिखाया, तो गाड़ी से तो देखने से तो लग रहा है कि भाई वो किसान आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से गाड़ी चढ़ी है। तो गाड़ी अगर डिसबैलेंस भी होती तो उस तरह से फिर गाड़ी मतलब नहीं जाती है, उसके पीछे तीन गाड़ियाँ निकली हैं जी। तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं जो गोरखपुर में व्यापारी की हत्या हुई, उस पर पुलिस अधीक्षक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उनको हटाया गया, अब क्या मानते हैं जी? प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि देखिए हर चीज़ में जो व्यवहारिक अगर लेंगे तो प्रथम दृष्टया तो जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए। उन 302 का शायद FIR भी हो गया है जी, शायद वो लोग बर्खास्त भी हो गए हैं, तो ये अच्छा है। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर 20 थाने हैं, तो 20 थाने पे कोई गया रात में, मैंने अगर मान लीजिए उसको रखा गया है कि वो थाने की सुरक्षा करेगा, वहाँ लोगों के थाने के अंदर जो आने वाले लोगों की सुरक्षा करेगा और रात में उसी वारदात कर दे, तो फिर उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। भविष्य में इस तरह से न हो, पुलिस अधीक्षक को भी ये वार्निंग देनी चाहिए कि ऐसे लोगों का चयन करें कि ऐसे लोगों को थाना दें जो कि मैंने जिनके प्रति जो है मैंने जो बेहतर काम कर सकें जी। 2022 के चुनाव किस एजेंडे पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? इसलिए कि हम 2007 से 12 में चूँकि हमारी सरकार थी और 7 से 12 के